मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड एग्जाम में मित्रों ऐसे प्रश्न लगभग हमने देखा है कि हर साल परीक्षाओं में आते रहते हैं। भौतिक और रासायनिक अवशोषण में क्या अंतर है? भौतिक अवशोषण और रासायनिक अवशोषण, एक बार आपको लिखना है भौतिक अवशोषण और दूसरे साइड में आपको लिखना है रासायनिक अवशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या होता है मित्रों? इस अधिशोषण की क्रिया में वांडर वाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं। यानी मित्रों जो भौतिक अवशोषण होता है इसमें जो अधिशोषक कण होते हैं वो वांडर वाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। यही रासायनिक में रासायनिक अवशोषण क्रिया में रासायनिक बंध या सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। फिर आता है मित्रों भौतिक अवशोषण की क्रिया में क्रांतिक ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप देखेंगे जो फिजिकल एड्सॉर्बेशन होगा उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी क्रांतिक ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन रासायनिक अवशोषण क्रिया में क्रांतिक ताप का मित्रों कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? भौतिक अधिशोषण की क्रिया में ताप बढ़ाने पर भौतिक अवशोषण क्रिया घट जाती है, लेकिन रासायनिक अवशोषण क्रिया में ताप बढ़ाएंगे तो एक समय तक बढ़ती है लेकिन फिर बाद में यह क्रिया घटने लगती है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? भौतिक अधिशोषण में दाब का प्रभाव पड़ता है जबकि रासायनिक अवशोषण में दाब का कम प्रभाव पड़ता है। भौतिक अधिशोषण एंथैल्पी ऊर्जा का मान कम होता है जबकि रासायनिक अधिशोषण की एंथैल्पी ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो मित्रों इस प्रकार से हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सीख पाएँ। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।